जी स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर असलम, मैं चाहता हूं कि आप अपनी बुक निकाल लें जनस्वास्थ्य की, जो आपके कोर्स की है। डीसीएच वाले, सीसीएच वाले, सीएचडी वाले और डीएमएस वाले, डीयूएमएस वाले जितने लोग हैं, वो पेज नंबर जो है भाग 3 प्रैक्टिकल मैनुअल और फर्स्ट प्रैक्टिकल फर्स्ट जो है प्रयोग संख्या निकाल लें। तो ये निकालेंगे तो इसमें आपको देखेगा प्राथमिक उपचार बॉक्स। ये आप लोग जो हम पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ, ये जो पढ़ के जा चुके हैं हमारे यहाँ, तकरीबन हजारों बच्चे यहाँ से जा भी चुके हैं, ये सबके पास होना चाहिए। वैसे भी घर में होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर हैं या जो हमारे कार्यकर्ता हैं या सीसीएच या डीसीएच कर चुके हैं, जो जो प्राथमिक उपचार दे रहे हैं, उनके पास तो अवश्य ही होना चाहिए। देखिए फर्स्ट एड बॉक्स जो है, इसमें वो चीजें होनी चाहिए जो आपको एकदम इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाती है जिनके, तो उनको जो है खास तौर से मैं ये देखूंगा। आप एक ब्रीफ केस ले लें, ब्रीफ केस में वो सब सामान रखें जो मैं बता रहा हूं आपसे। प्राथमिक उपचार में क्या क्या चीजें होती हैं, तो सबसे पहली चीज इसमें जो है आप लिखें, एक अम्बु बैग होना चाहिए, एक बीपी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, एक थर्मामीटर होना चाहिए, कुछ स्प्लिंट होने चाहिए। स्प्लिंट ना हो तो टूटा हुआ फीटा हो या प्लास्टिक, कुछ ऐसी लंबी सी वो हो, है, और रोलर बैंडेज होनी चाहिए, फॉर्सेप्स होनी चाहिए आपका, सीजर्स होनी चाहिए और ग्लव्स होने चाहिए आपके, आपके ये मास्क होना चाहिए चेहरे पर, और बर्नॉल होने चाहिए, गॉज होने चाहिए, डेटॉल होने चाहिए, सेवलॉन होने चाहिए, सैनिटाइजर जैसे कहते हैं वो होना चाहिए, और कंस्ट्रक्शन बैंडेज यानी कि यहां जो बांधते हैं खून निकालने के लिए है तो उसको कहते हैं, तो वो वाली बैंडेज भी होनी चाहिए। अच्छा, पैरासीटामोल की टेबलेट होनी चाहिए, क्लोरोमाइसिन वगैरह हो तो वो भी होना चाहिए, एक स्पून होना चाहिए, टॉर्च होना चाहिए, और हाथों को बार बार सैनिटाइज करने के लिए वो ये साबुन हो या कुछ इस तरह की चीजें जरूर होनी चाहिए आपके इसमें। तो जब तक ये ना हो तो समझ लीजिए कि आपका, या वार्म पट्टी जो होती है गर्म पट्टी वो भी होनी चाहिए, क्योंकि किसी एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ हो गया तो आपको क्या होगा, फौरन एकदम आप स्प्लिंट बांधे। स्प्लिंट अगर आपको मिल जाती है अपने बैग में, ठीक है, नहीं मिलती है आपको बैग में, तो आप जो है कोई भी खपची उठा लीजिए, लकड़ी की वो उठा लीजिए, उसको रुमाल से, कपड़े से, या पट्टी से, या गर्म पट्टी से, या सारी पट्टी से बांध के भेज दीजिए रुई लगा करके। तो इससे क्या होगा, उसकी जान बच जाएगी, क्योंकि आप सर्जन नहीं है, आप दखल मत दीजिए, आप उसे ठीक करने की कोशिश मत कीजिए, आपको, आप सिर्फ प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोर्स चलाया जा रहे हैं, तो प्राथमिक उपचार में इतना ही होता है, ये नहीं कि आप उसको सर्जरी करने लगें या उसको मिसगाइड करें, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको तो सिर्फ फर्स्ट एड देनी है, या फिर कोई बेहोश हो गया है, आपको सीपीआर सिखाया गया क्लास में, तो सीपीआर 10 कीजिए। आजकल कोरोना की वजह से भी लोग बेहोश हो जाते हैं, डर की वजह से बेहोश हो जाते हैं, या घुटन की वजह से बेहोश हो जाते हैं, लाइट नहीं आ रही, या परेशानी है, कुछ सोच रहे हैं, या कुछ शॉक की न्यूज सुनी तो हार्ट बंद हो जाता है, तो लोग ये समझते हैं इसकी मृत्यु हो गई। आप फौरन उसे लेटाइए, उसके ढीले कीजिए कपड़े, उसकी टांगे या उसके घुटने सीधे कीजिएगा, उसकी कोहनी सीधी कीजिएगा, और एकदम उसको CPR 10, उसकी छाती के बीच में ये जगह होती है, इसे कहते हैं स्टर्नम, स्टर्नम पे इस तरह से ये रख करके, और पूरी जोर से जितनी जोर दबा सके, भले हड्डी टूट जाए उसकी, क्योंकि आप देख रहे हैं उसकी सांस तो है ही नहीं, उसकी पल्स तो है ही नहीं, तो उसको इसे शॉक से निकालना है, उसको जो है एक तरह से मृत्यु से जीवन की तरफ लाना है। तो आप जब हार्ट तक दबाएंगे तो जो उसकी एनर्जी खत्म हो गई, जो बिजली होती है हार्ट में, जो चलना बंद हो गया हार्ट, वो फिर से टच होगा, जब उस पर जोर से दबाएंगे, प्रेशर पड़ेगा, वो फिर से मसल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने लगेंगी, तो इस तरह से वो हार्ट हल्के 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 हार्ट एकदम चल जाएगा, उसकी आंखें खुलने लगेंगी, और उसका चेहरे पे मतलब आपको लेगा सर्कुलेशन आने से, उसको जो पीलापन होंठों पर आ गया था या चेहरा जो उसका फक पड़ा हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता सही होने लगेगा। तो ये बहुत जरूरी है, और साथ साथ अगर ऐसे नहीं होता तो कृत्रिम श्वास आपको सिखाया गया, लेकिन आजकल कोरोना की वजह से आप वो मत दें। आप ऐसा करें, अम्बु बैग जो हमने बताया आपके बैग में होना चाहिए, तो एक और ध्यान रखें, पेपर टिश्यू जरूर रखें, बार बार जो है जो भी चीज आप इस्तेमाल करें उसे साफ कर लें, तो साफ करने के बाद में चेहरे पर रखें उसके, उसको जैसा हमने सिखाया है इस अम्बु बैग का प्रयोग, पहले मैं क्लास में ले चुका, इस तरह से करते रहें और दबाते रहें, तो इस तरह से उसको सांस आ जाएगा और वो फिर से खड़ा हो जाएगा, उसे होश आ जाएगी। तो आपका काम इतना ही है, आपका काम सिर्फ इतना है कि जो आपके पास है वो उससे प्राथमिक उपचार दें, फर्स्ट एड दें, उसको नया जीवन दें,
वो आपका आभारी रहेगा हमेशा जीवन में, और उसको एजुकेट करें आइंदा के लिए। तो ये जो चीज है, और खासतौर से कभी कभी ऐसा होती है तो हमारे पास में ऐसी ड्रेसिंग भी होनी चाहिए, कोई चोट लग गई बहुत ब्लीडिंग हो गई तो जिससे कहते हैं सोफ्रामाइसिन वगैरह लगी हुई हो उस पर, वो एंटीसेप्टिक हो एंटीबायोटिक हो, वो प्रीपेड भी आती हैं रेडीमेड भी आती हैं, तो ऐसे लगा पट्टी बांध दी ताकि इन्फेक्शन ना हो। आपके पास टिटनेस टॉक्साइड होना चाहिए, आपने फौरन वो लगा सकते हैं उसे। और साथ साथ में अगर कभी ऐसा हो कि आप देख रहे हैं उसकी पल्स बहुत कम है, तो या कोई दवाई उसने खाई बताया ने उसके रिएक्शन से एकदम वो बेहोश हो गया, तो फौरन उसको डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन लगा दें आप। तो डेक्सामेथासोन इंजेक्शन आपके पास होना चाहिए, सिरिंज होनी चाहिए आपके पास में। तो मैं एक तो आप फर्स्ट एड बॉक्स का फोटो बनाएं, एक जो चीजें मैंने लिखवाई हैं सारी रुई से लेकर के और अम्बुबैग तक और सैनिटाइजर तक मास्क तक, ये सब चीजें कोई फोटो बनाएं आप, इन चीजों को लिखें। और आप इसको सिर्फ फोटो नहीं बनाना, एग्जाम में ये फर्स्ट एड बॉक्स आपको लेके आना है, और इसका यूज कैसे करते हैं ये एग्जामिनर आपसे मालूम करेगा, तब आपको ये बताना भी है। तो चूंकि आज की क्लास मैं यही खत्म करता हूं, चूंकि फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप फर्स्ट एडर्स हैं और फर्स्ट एडर डॉक्टर जो होता है वो सबसे ज्यादा कहना चाहिए सम्माननीय होता है, क्योंकि उसने हमारी जान बचाई। और वरना जब तक हम हायर सेंटर जाते तो एक घंटा आधा घंटा हो जाता, दो घंटे हो जाते एम्बुलेंस आने में, रास्ते में, सफर में, और इस बीच में फिर सीपीआर ना दिया जाता, सीपीआर 10 ना दिया जाता तो निश्चित ही डेथ हो जाती। तो इसी के साथ मैं आपको कहूंगा कि आप इसके फोटोज भी बनाएं, इसको फाइल में लिखें भी जो जो चीजें मैंने बताई हैं, और फर्स्ट एड बॉक्स की क्या उपयोगिता है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, ये होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।